अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन तो कंप्लीट कर ली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। बाद में केमिकल की तरफ जाएंगे, पहले फिजिकल की तरफ चलते हैं। तो मैं जर्नली स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को। हमें पता है कि अल्केन्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए वो अल्केन्स कहलाते हैं। अब अल्केन्स में जब सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। पहले लेक्चर में ये मैंने हर चीज़ ही एक्सप्लेन कर दी थी। तो जब हम अल्केन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे तो अल्केन की प्रॉपर्टीज़ में पहली बात ये है कि हमारे पास फर्स्ट फोर अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चार मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये चारों के चारों कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेज हैं। ना तो इनका कोई कलर है ना कोई ऑर्डर है, ये गैसेस हैं। फर्स्ट फोर अल्केन आर गैसेस। लेकिन अगर 5 से लेके 17 तक बात करें कि वो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन नंबर 5 से लेके 17 तक आते हैं वो आपके पास कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं, और जो 18 से लेके ऑनवर्ड हैं वो वैक्सी सॉलिड्स हैं। वो आपके पास क्या हैं? वैक्सी सॉलिड्स। तो फर्स्ट फोर अल्केन क्या थे? गैसेस। 4 से 15 आपके पास 17 तक क्या है? लिक्विड्स। और हायर मेंबर्स क्या हैं? वैक्सी सॉलिड। ये हमारा हो गया पहला चार गैसेस, फिर लिक्विड्स, फिर सॉलिड्स। अब दूसरी बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। स्टूडेंट्स जरा ऑब्जर्व करें, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं अल्केन के इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ते हैं जैसे जैसे क्या चीज़ बढ़ती है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी क्या हैं? बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़रा आप लोग ऑब्जर्व करें। बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जो आपके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। और ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वंडर वॉल फोर्सेस के। वंडर वॉल फोर्सेस मतलब साफ है, ये बात क्या बताना चाह रहे हैं कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वंडर वॉल फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगी। जब वंडर वॉल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट्स हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट्स का मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो और जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? विद वंडर वॉल फोर्सेस। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, हम टेबल की तरफ आते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैंने टेबल बनाया हुआ है आपके पास है। ये नेम ऑफ कंपाउंड है, ये मैंने लिखा है फार्मूला, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है। तो सबसे पहले आते हैं मीथेन की तरफ। ये मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या है? -182 और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -162 डिग्री। इथेन, इथेन के बॉइलिंग पॉइंट चेक करें मीथेन से ज़्यादा है। प्रोपेन के चेक करें मीथेन से भी ज़्यादा है, इथेन से भी ज़्यादा है। ब्यूटेन के चेक करें -0.5 डिग्री। मतलब ब्यूटेन के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो प्रोपेन से भी ज़्यादा, वो इथेन से भी ज़्यादा और वो मीथेन से भी ज़्यादा। टेबल हमें ये बताने जा रहा है कि अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं जिसको मैंने लिखा है C4H10, C4 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 10 हाइड्रोजन का ऐड करें तो आपके पास गालबन ये बन जाता है 58। और अगर आप इसकी बात करें 3 कार्बन वाले की तो आपके पास बनेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 और प्लस आपके पास क्या आ गया? 8। तो ये गालबन आपके पास राउंड अबाउट बन जाएगा 44। मतलब साफ है, अगर हम प्रोपेन का और ब्यूटेन का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो ब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से ज़्यादा हैं। ब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से क्यों ज़्यादा हैं? एक तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है,
जब उसका मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा है तो उसमें वंडर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी निस्बतन किसके, प्रोपेन के। सो ब्यूटेन हैव आप फोर कार्बन एटम्स, ब्यूटेन में चार कार्बन एटम है एंड प्रोपेन हैव थ्री कार्बन एटम इन नंबर, उसमें जो कार्बन एटम है वो तादाद में तीन है। अब इसमें कार्बन एटम चार हैं, इसकी चेन लेंथ भी ज्यादा है, इसमें वंडरवाल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग हैं और इसका मॉलिक्यूलर मैस भी ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। सेम केस में हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका इंक्रीज या डिक्रीज होना कोई रेगुलर नहीं है, लेकिन अगर हम यहां से इस वाले ग्राफ में अगर हम देखें, हमने कहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, इंक्रीज, क्योंकि मास भी बढ़ रहा है, चेन लेंथ भी बढ़ रही है। तो अब जब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, इस केस में हम क्या ले लेते हैं, अल्केन्स या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इस केस में हम क्या ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स। ये कार्बन वन के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर आ गया, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, इस तरफ को बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। जब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब अल्केन का और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसे आता है कि इंक्रीज हो रहे हैं, ये लाइन ऐसे आ रही है कि बढ़ रही है। इस लाइन के बढ़ने का मतलब क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी क्या है, बढ़ रहे हैं। अगर मैं ऐसा करना चाहूं कि मैं इसका ब्यूटेन का बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इसको ड्रा कर लूंगा, यहां पे आपके पास आ गया प्रोपेन का, और अगर आप किसका बनाना चाहेंगे, ब्यूटेन का, तो वो गलबन यहां आ जाएगा। तो अगर हम इस वाले को, ये आपके पास था प्रोपेन का और ये आपके पास था किसका, ब्यूटेन का, जब हम इस ग्राफ को चेक करते हैं तो ग्राफ क्या बता रहा है कि प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से कम है, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा है। सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट कि जो ये आपके पास लाइन आ रही है ये बढ़ रही है, और इस लाइन के बढ़ने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो इसका मतलब है जो आपके पास चार कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट तीन कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से क्या होंगे, ज्यादा। तो सेम केस, इसी केस में अगर आप आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का हमने अच्छे से देख लिया। अब स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सोलुबिलिटी, प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं सोलुबिलिटी। ये आपके पास पड़े हैं अल्केन्स और ये आपके पास पड़ा है वाटर, ये आपके पास क्या है H2O। आप अल्केन को जब इसमें से पास करेंगे या इसमें डालेंगे तो ये इसमें सोलुबल नहीं होगा, अल्केन्स आर नॉट सोलुबल इन वाटर। जो अल्केन्स हैं वो क्या है, पानी में सोलुबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि जो वाटर है वो पोलर है और जो आपके पास अल्केन्स हैं वो क्या हैं, नॉन पोलर। सो बिकॉज वाटर इज पोलर, अल्केन्स आर नॉन पोलर। अल्केन्स नॉन पोलर कैसे हैं, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के केस की बात करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है हमारे पास 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। सो द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल, जो ना होने के बराबर है, जो कंसिडरेबल नहीं है, हम इसको नहीं मानते। हम कहते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये कार्बन की तरफ भी उतनी ही अट्रैक्शन दे रहा है और हाइड्रोजन की तरफ भी उतनी ही दे रहा है, मतलब दोनों का इस पर जो हक है वो एक जैसा जाहिर हो रहा है। तो दैट्स वाई अल्केन्स आर नॉन पोलर, बिकॉज इन अल्केन्स द इलेक्ट्रोनेक्टिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेक्टिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल। जो इलेक्ट्रोनेक्टिविटी का फर्क होगा स्टूडेंट्स वो बहुत कम होगा, और वो कम होने का मतलब है कि ये नॉन पोलर है और पानी क्या है, पोलर है, तो ये पानी में सोलुबल नहीं है। तो इसके बाद हम इसकी बात करेंगे आइसोमरिज्म की। अल्केन शोज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो आइसोमरिज्म क्या है, द प्रोसेस इन विच कंपाउंड हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि वो हमारे पास ये
प्रोसेस है, वो अमल है, जिसमें कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, जिसको हम कहते हैं आइसोमर, एंड फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म। और इसमें मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं ब्यूटेन की। ब्यूटेन देखें, ब्यूटेन में चार कार्बन है, ये आपके पास क्या है, चार कार्बन, और ये किसके हैं आपके पास, ब्यूटेन के। ये आपके पास एक दो तीन चार, और इन चार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक यहां पे आ जाए, तो ब्यूटेन के टोटल आइसोमर कितने हो गए, दो। एक में तो तमाम कार्बन एटम जो है वो सीधी चेन में है, यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तमाम कार्बन एटम आपके पास क्या है, सीधी चेन में, इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। और ये आपके पास कौन सी ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन, यहां पर तीन हाइड्रोजन, यहां पर भी तीन, यहां पे एक और यहां पे तीन, ये वैलेंसी को पूरा करने के लिए। अगर हम दोनों का फार्मूला चेक करें, इसका भी और इसका भी, तो दोनों का फार्मूला बनता है C4H10, मतलब है वह सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि स्टूडेंट्स, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये क्या जाहिर कर सकते हैं, आइसोमरिज्म। तो ये हमारे पास क्या था कि आइसोमरिज्म क्या होती है, कि कंपाउंड है वह सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, विच इज़ नोन एज आइसोमर, एंड फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म। अब हम बात करते हैं, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं किसकी भला, इसकी विस्कोसिटी की। स्टूडेंट्स याद रखना, विस्कोसिटी और डेंसिटी, इन दोनों का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है विद मॉलिक्यूलर मास। और इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है विद चेन लेंथ। स्टूडेंट्स, जितना मॉलिक्यूलर मास और चेन लेंथ ज़्यादा होगी, याद रखना, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। मीन्स ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर विल बी द चेन लेंथ, सो हायर विल बी द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। और जितना ये दोनों ज़्यादा होते हैं, याद रखना, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है विद बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट का इन दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आप ऐसे कह लें कि जितना विस्कोसिटी और डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा। तो याद रखना कि व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, जब कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है, जब कार्बन एटम की स्टूडेंट्स क्या बढ़ती है, तादाद, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, स्टेट चेंज फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। इसीलिए हमने कहा था कि फर्स्ट फोर क्या हैं, गैसेज हैं, फिर लिक्विड हैं, फिर क्या हैं, वैक्सी सॉलिड्स हैं। तो हमने आज डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन को, जिसमें पहले हमने बता दिया स्टेट का, बता दिया, फिर बता दिया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का, फिर हमने बता दिया बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे डिपेंड करते हैं, और उसके बाद हमने सोलिबिलिटी को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया डेंसिटी को, और हमने डिस्कस किया विस्कोसिटी को, मेल्टिंग पॉइंट्स को और बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन्स।